गोंडा जनपद सावन मास के दूसरी सोमवारी से पूर्व रविवार को गोंडा अयोध्या कांवड़िया पथ पूरी तरह गेरुआमय हो गया। वहीं बोल बम के नारे से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया है। इस वर्ष रविवार को कांवड़िया गोंडा अयोध्या पथ में कांवड़ियों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। इस वर्ष कांवड़ियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही धूप छांव का खेल चल रहा है, गर्मी भी अधिक थी, इसके बावजूद कांवड़ियों के जोश में ज्यादा फर्क नहीं आया। प्रदीप जी, आप कांवड़िया लेके जा रहे हैं जी, आज शासन प्रशासन के तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है शासन प्रशासन का। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने व्यवस्था एकदम चाक चौबंद किया हुआ है। जैसे हम लोग आते थे पहले तो बहुत ट्रैफिक लग जाती थी, वो ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रही है और बड़ी गाड़ियों का प्रवेश निषेध है। वहाँ रामघाट तक कोई दिक्कत नहीं है, यात्रियों मतलब श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। आज से लगभग 2 साल COVID-19 महामारी चली जी, आप लोग नहीं निकल पाए थे घर से, इस समय आप फिर से जलाभिषेक करने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि विगत दो वर्षों से वैश्विक महामारी से हमारा देश जूझ रहा था, तो उसमें हम लोगों को COVID-19 का नियम फॉलो करना था, तो इसलिए हम लोग जलाभिषेक नहीं कर पाए। लेकिन पुनः एक बार जब लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद से आज जब मैं आया हूँ अयोध्या, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। भगवान ईश्वर की कृपा ऐसे बनी रहे हम लोगों का और सबका कल्याण करे। आपने ये जल कहाँ से उठाया है? माँ सरयू की नदी से। और आप जाएंगे कहाँ तक? मछली बाजार मनकापुर के आगे, मछली बाजार करोहानाथ, बाबा करोहानाथ का विशाल शिवलिंग है, वहाँ पे जल अर्पित करेंगे 13 दिन मंगलवार को हम लोग। अभी हम लोगों की रात्रि विश्राम टिकरी जंगल में वहाँ समय माता के स्थान पे होगी, फिर पुनः हम लोग वहाँ सुबह से निकलेंगे और शाम को हमारा सोमवार की रात को हम लोग बाबा करोनाथ में विश्राम करेंगे और 12 बजे के बाद से जल चलना शुरू हो जाता है। जब आप सड़कों पे निकले हैं जलाभिषेक लेके, शासन प्रशासन के सारे अधिकारीगण मौजूद थे जी, क्या सहयोग रहा है? सहयोग में बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था रही है। जैसे पहली बात तो ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब भीड़ नहीं है, कोई वो दिक्कत नहीं हो रही है हम लोगों को। बढ़िया से स्नान किए हैं, जल संकल्प कराए हैं, हनुमान गढ़ी मंदिर और सिद्धेश्वरनाथ बाबा नगेश्वरनाथ का भी दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा महसूस हुआ। प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जगह जगह पर प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है। धन्यवाद।